बादल से गिरी बलजेडी साल, चर गया सिउल 30 भेड़ की खाल। रान बिनु की हंसा जीवनी, उहल से बाकली सुकेती से बिनी ट्रिक्स के साथ यूट्यूब चैनल जीके स्टडी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है हिमाचल की नदियां पार्ट 2। सवराची मुना यानी सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब और यमुना। इसमें आज हम दो महत्वपूर्ण नदियों के विषय में पढ़ेंगे, ब्यास और रावी। सबसे पहले बात करते हैं ब्यास नदी की। ब्यास नदी किन किन जिलों से होकर के गुजरती है, सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। ये कुल्लू है, कुल्लू नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे मंडी है, नंबर 3 पे हमीरपुर है, नंबर 4 पे कांगड़ा। ये 4 महत्वपूर्ण आपके पास जिले हैं जहाँ से ब्यास नदी गुजरती है, ये आपने याद रखना है। पहला फैक्ट, सबसे ईस्टर्न में कुल्लू है, उसके बाद मंडी है, मंडी के पश्चात हमीरपुर की सीमा को टच करती है ब्यास नदी, और उसके पश्चात कांगड़ा, और कांगड़ा के पश्चात जो है वो पंजाब में चली जाती है। अब आप यहाँ जो फैक्ट है उसके विषय में बात कर लेते हैं। ब्यास नदी पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित जो रोहतांग दर्रा है वहाँ ब्यासकुंड से निकलती है। रोहतांग दर्रे की हाइट मैंने आपको पहले भी बताई 3978 मीटर है, और जो रोहतांग शब्द है उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो तिब्बती भाषा में रो प्लस थांग, रो का मतलब तिब्बती भाषा में शव होता है, थांग का मतलब मैदान होता है, अर्थात शवों का मैदान। यूनानी लेखक प्लिनी ने इसे हिफेसिस कहा, ऋग्वेद में इसे अर्जकिया कहा गया, और संस्कृत में इसे विपाशा कहते हैं। ब्यास कुंड के समीप ब्यास ऋषि का आश्रम स्थित होने के कारण ही इस नदी का नाम जो है वो विपाशा यानी ब्यास पड़ा है। कुल्लू और कांगड़ा की जो घाटियां हैं उसका निर्माण भी ब्यास नदी द्वारा ही किया जाता है। ब्यास नदी कुल्लू को, ये कुल्लू है, नगवाई नामक स्थान पर जो है वो छोड़ती है, और बजोरा के समीप मंडी में फिरनू नामक स्थान पर, जिसे चौरसी गढ़ भी कहते हैं, वहाँ पर प्रवेश करती है। मंडी में ही आगे मैं बताऊँगा कि सलापड़ में जो है वो मंडी को छोड़ती है। हमीरपुर में नदौन के समीप, ही हमीरपुर है, यहाँ पर नदौन के समीप जो है वो हमीरपुर में प्रवेश करती है। कांगड़ा की अगर हम बात करें तो कांगड़ा में संधौल नामक स्थान पर प्रवेश करती हैं, और मीरथल में जो है वो यहाँ पर, ये मीरथल है, यहाँ पर जो है इसको छोड़ देती है। ब्यास नदी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले पंजाब में हरिकापाटन स्थान पर सतलुज के साथ मिलती हैं। कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, ये मैंने पहले आपको बताया, इन जिलों से होकर के गुजरती हैं। ब्यास नदी की कुल जो विद्युत क्षमता है वो 5,339 मेगावाट है। पंडहो मंडी जिले में स्थित है, वहाँ से 14 किलोमीटर लंबी सुरंग के माध्यम से ब्यास नदी का जल सतलुज के लिए डाइवर्ट किया गया है। मंडी में ही सलापड़ नामक स्थान पर जो है विद्युत उत्पादन होता है, और उसके पश्चात इसे सतलुज नदी में मिलाया गया है। शिवालिक खंड में स्थित देहरा गोपीपुर में पोंग बांध निर्मित किया गया है, जिसका वास्तविक नाम जो है महाराणा प्रताप सागर है, और ये हाईएस्ट अर्थ फिल जो है वो डैम है। पोंग डैम को ही इंटरनेशनल वेटलैंड साइट अगस्त 2002 में घोषित किया गया है रामसर कन्वेंशन के अनुसार। वर्तमान में यह वन्य जीव अभयारण्य भी है, और 1983 में यहाँ वर्ड्स सेंचुरी भी स्थापित की गई थी। यहाँ पर कुल 53 प्रजातियों के पक्षी जो है वो आते हैं। कुल्लू घाटी की दक्षिण में जो है वो ब्यास नदी बहती है। जो महत्वपूर्ण स्थल ब्यास नदी के तट पर है उसमें मनाली है, कुल्लू है, मंडी का बजोरा है, नगवाई कुल्लू में है, मंडी है, नदौन है, पंडो है, देहरा है, गोपीपुर है। यस, ब्यास की सहायक नदियाँ कुल्लू में, मंडी में, कांगड़ा में और हमीरपुर में, ये 4 जिले हैं जहाँ से ब्यास नदी गुजरती है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी, कुल्लू जिले की। आप यहाँ देख रहे हैं कुल्लू जिले के अंदर जो महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं, सेंज, पार्वती, पिन, मलाना, हुसला, तीर्थन, फौजल, सरदारी, सोलंग, मनालसू और सुजन। अब इनको मैप के माध्यम से स्टडी करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन इसकी मैप पर दर्शाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए जो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्केच बनाया है इसमें आप देख लें। सेंज, पार्वती है, पिन है, मलाना है, हुसला है, सुजन है, तीर्थन है, सरदारी है, फौजल है, सोलंग है,
मनालसू है, ये कुल्लू में ब्यास नदी की सहायक नदी है। अब इसको याद रखने के लिए जो ट्रिक मैंने आपको बनाई है, क्योंकि वैसे तो याद रहेगी नहीं, सैंज से पार्वती का पिन गया मलाना व हुसला के तीर्थ यात्रा पर, फौजल की सरदारी दी सोलंग के मनालसू को और जीती सुजन। इसमें सारी कुल्लू की सहायक नदियाँ जो है वो आ जाती हैं, जो कि ब्यास में गिरती हैं, सैंज, पार्वती, पिन, मलाना, हुसला, तीर्थन। इसके पश्चात फौजल, सरदारी, सोलंग नाला, मनालसू और सुजन, ये सारी की सारी ब्यास की सहायक नदियाँ कुल्लू के अंदर हैं। अब बात करते हैं मंडी में, मंडी डिस्ट्रिक्ट आप ये देख लीजिए, यहाँ मंडी डिस्ट्रिक्ट है। मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं ब्यास की? रान, बीनु, हंसा, जीवनी, उहल, बाखली, सुकेती, लूनी, सोन, बकरखड और पनौड़ी। इन्हें भी मैप में स्केच में दिया तो गया है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से इसको मैप के अंदर समझाना पॉसिबल नहीं है, इसको आप याद कर लें। और याद करने के लिए जो ट्रिक मैंने आपको बनाई है वो ट्रिक आप यहाँ देखिए, रान बीनु की हंसा जीवनी, उहल से बाखली, सुकेती से लोनी, सोन लाया बकर का पनौड़ी। यहाँ देखिए रान आ गया, बीनु भी आ गई, हंसा, जीवनी, उहल आ गई, बाखली आ गई, सुकेती आ गई, लूनी आ गई, सोन नदी आ गई, बकरखड आ गया और पनौड़ी आ गई। ये मंडी के अंदर ब्यास की सहायक नदियाँ हैं, रान बीनु की हंसा जीवनी, उहल से बाखली, सुकेती से लूनी, सोन लाया बकर का पनौड़ी। अब बात करते हैं कांगड़ा की, कांगड़ा के अंदर महत्वपूर्ण, ये आपके पास कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर महत्वपूर्ण कौन कौन सी सहायक नदियाँ ब्यास की हैं? बाणगंगा है, गज है, चक्की डेह है, डेहर है और बिनुआ तथा न्यूगल है। अब इसको भी ऐसे याद रखना सरल नहीं है, इसलिए जो ट्रिक मैंने आपको यहाँ पर बनाई है उसको आप देख सकते हैं। बाणगंगा के गज की चक्की, पीसे ढेर खाए बिनुआ व न्यूगल। बाणगंगा आ गई, गज आ गई, चक्की आ गई, ढेर से ढेर आ गया, बिनुआ आ गया और न्यूगल आ गई। ये कांगड़ा के अंदर ब्यास की सहायक नदियां हैं, बाणगंगा के गज की चक्की, पीसे ढेर खाए बिनुआ वो न्यूगल। अब हमीरपुर की बात करते हैं, हमीरपुर में केवल दो जो है वो सहायक नाले हैं, नदियां हैं, वो कण्हा हैं और मान हैं। ये नदौन के समीप जो है वो ब्यास नदी से मिलते हैं। ब्यास तथा उसकी सहायक नदियों के कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। पार्वती कुल्लू तथा स्पीति की सीमा निर्धारित करती हैं और पार्वती नदी मंतलाई हिमखंड से निकलती हैं, भुईन या भुंतर के समीप ब्यास नदी में मिलती है। सैंज और तीर्थन दोनों शूपाकणी श्रृंखला से निकलकर लारजी के समीप ब्यास नदी से मिलते हैं। उहल बड़ा बंगाल से और लूनी नदी छोटा बंगाल से निकलती है। बकरखड जो कि हमीरपुर में स्थित है, मंडी और हमीरपुर के बीच में सीमा रेखा निर्धारित करता है और इसे खड्डों की रानी भी कहा जाता है। चक्की खड जो कि कांगड़ा में स्थित है, कांगड़ा और गुरदासपुर के मध्य में सीमा रेखा निर्धारित करता है। पार्वती नदी कुल्लू में मणिकरण, सोलंग और लारजी के समीप से बहती है। ब्यास नदी हिमाचल के मध्य से होकर के बहती है और इसे पूर्व में सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता था। वशिष्ठ ऋषि ने ही ब्यास नदी का नामकरण विपाशा रखा था, जिसका अर्थ है पाश से मुक्त करने वाली, बंधन से मुक्त करने वाली। ब्यास को अर्जिकिया भी कहते हैं और इसके अन्य नाम जो है हाइनेस, विपासिस और विवासिस भी हैं। सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व जब भारत पर आक्रमण किया था तो वह अंतिम पड़ाव ब्यास नदी के तट पर ही उसका रहा और जहाँ पर वो 3 दिन तक इंतज़ार करने के पश्चात अंततः उसे वापस लौटना पड़ा। उसने यहाँ पर 12 बड़ी शिलाओं को स्थापित किया था अपने आक्रमण के स्मरण में। पोंग डैम जो कि 1974 में निर्मित किया गया ब्यास नदी पर, और पंडोह डैम 1977 में ब्यास नदी पर जो है वो निर्मित किया गया है। पंडोह से सुरंग द्वारा डेहर में जो है वो पानी डाइवर्ट किया गया है और वहाँ पर 990 मेगावाट जो है विद्युत उत्पादन किया जाता है और उसके पश्चात ब्यास नदी का जल जो है वो सतलुज में
मिल जाता है। पौंग बांध के ठीक नीचे शाह नहर बैराज स्थित है, जहाँ से कांगड़ा की सबसे और हिमाचल की सबसे बड़ी नहर शाह नहर निकलती है। ब्यास और सतलुज का जो संयुक्त जल है वो हारिका बैराज में मिलता है। हमारा अगला वक्तव्य होगा हिमाचल की नदियाँ भाग तीन। डिटेल जानकारी के लिए ब्लॉग पोस्ट writestudiesguru.blogpost.com को भी आप क्लिक कर सकते हैं। अपडेशन के लिए जीके स्टडी ट्रिक्स को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।